मेरी माँ ने मुझे हमेशा पावर लाइन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन कुछ भी हो, देखो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। हे देखो, ये मेरा दोस्त है। हे, क्या चल रहा है? इन सभी चीजों में क्या कॉमन है? ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और इनके बारे में क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। मनुष्य और जानवर अपने शरीर को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, वोल्टेज डिफरेंस और एक क्लोज्ड लूप। वोल्टेज डिफरेंस के केस में यदि आपके पास एक हाई वोल्टेज पॉइंट और एक लो वोल्टेज पॉइंट है, तो उनके बीच इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है। हालांकि यदि आपके पास कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। आमतौर पर हम एक पावर सोर्स का यूज करके वोल्टेज डिफरेंस प्राप्त करते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल आउटलेट से आप अपने घर में बिजली प्राप्त करते हैं। कुछ डिवाइसेस इस ग्रीन लेजर पॉइंटर की तरह बैटरीज द्वारा संचालित होते हैं। अगर हम इसका पावर सोर्स निकाल दें तो ये काम नहीं करेगा। ये एक बैटरी है जो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इस पर 1.5 वोल्ट्स लिखा है, एक रेगुलर डबल ए बैटरी की तरह। चलिए इसे एक मोटर से कनेक्ट करके एक सर्किट बनाते हैं। हमारी उम्मीद के मुताबिक ये घूमने लगती है। इसे देखिए, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ये और अधिक पावर प्रदान करती है, इसलिए जब हम इस मोटर से जोड़ते हैं तो मोटर बहुत तेज घूमती है। अब एक सर्किट के दूसरे क्राइटेरिया को देखते हैं। यहाँ ओपन लूप और क्लोज्ड लूप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्लोज्ड लूप की तलाश में रहती है। मोटर के केवल एक एंड को कनेक्ट करने से हमें एक क्लोज्ड लूप नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस क्लोज्ड लूप के केस में क्या होगा? ये काम नहीं करता, क्योंकि दोनों वायर्स समान पोटेंशियल पर हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स नामक छोटे पार्टिकल्स का मूवमेंट है। कोई भी कार एक डेड एंड तक ड्राइव नहीं करना चाहेगी। अब कुछ एक दूसरे रास्ते से जाएंगे। क्या हम वायर्स के अलावा किन्हीं और चीजों से सर्किट का निर्माण कर सकते हैं? आइए इस रिबन के साथ कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो काम नहीं करता। हम रिबन के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक मल्टीमीटर का यूज करते हैं, जो हमें बताता है कि ये कितनी अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। 0L का मतलब है कि मीटर से मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस बहुत अधिक है। अब क्या एक मैकेनिकल पेंसिल का लीड काम करेगा? वाह, ये सही में काम करता है। हमारा मल्टीमीटर इस बार रिबन से कम रेजिस्टेंस मेजर करता है। चलिए अब इसे एक शूलेस के साथ टेस्ट करते हैं। नहीं, अब एक चाकू के साथ, जिस पर अभी भी बदले केक लगा हुआ है। जब किसी चीज का रेजिस्टेंस कम होता है तो ये एक सड़क को चौड़ा बनाने की तरह है, जिस पर ज्यादा कारें चल सकती हैं। अब हम एक पेंसिल से विभिन्न आकार के 3 रेक्टेंगल्स बनाएंगे। चलिए इनके रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। सबसे पहला 5.6 किलो ओम्स का है और सबसे बड़ा लगभग 25 किलो ओम्स का है। अब बीच वाले के लिए आप स्वयं ट्राई कीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि हमारी उंगली का रेजिस्टेंस को भी मापा जा सकता है। अब पानी के लिए ये क्या होगा? ये शुद्ध डीआयोनाइज्ड पानी है जो आपको लैब से मिलता है। अगर हम इस पानी से अपना सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं होता, क्योंकि शुद्ध पानी एक बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। कृपया बिना एडल्ट सुपरविजन के इसे ट्राई न करें। अब हम पहले की तरह सेम सर्किट बनाते हैं। नल के पानी में कई तरह की चीजें होती हैं, इसलिए हमें हेयर ड्रायर्स को बाथटब से दूर रखना चाहिए। केवल रोबोट ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं करता, बल्कि मनुष्य भी करते हैं। यदि बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी आपके माध्यम से जाती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ओके, लेकिन ये पक्षियों से कैसे संबंधित है? मान लीजिए आपकी बैटरी एक पावर प्लांट है और हमारी मोटर घर है। हम इन्हें अपने हाई वोल्टेज पावर लाइन और लो वोल्टेज पावर लाइन से जोड़ देते हैं। हम अपने पक्षी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइट का यूज करते हैं। पक्षी जब केवल एक वायर को छूता है तो सुरक्षित रहता है, लेकिन जब ये दोनों को छूता है, आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी हमारे 2 वायर्स में प्रवाहित होती है। जब पक्षी दोनों वायर्स को छूता है तो इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरा रास्ता मिल जाता है। आपको क्या लगता है, यदि पक्षी ऊपर वाले वायर पर होता तो क्या होता? अगली बार जब मैं पावर लाइन्स के आसपास मंडराऊंगा तो मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा।